प्रिय विद्यार्थियों, गांधी दर्शन पढ़ रहे हैं अपन, और मैं हर बार कहता हूँ कि गांधी दर्शन को समझने के लिए गांधी को समझना जरूरी है, और गांधी को समझने के लिए यह समझना जरूरी है कि गांधी ने किया क्या, और गांधी ने किया क्या यह समझने के लिए जरूरी है कि हम उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में जानें, जो हम जान चुके, दक्षिण अफ्रीका में उनके प्रयोगों के बारे में जानें, जो हम जान चुके। फिर हमारे लिए जरूरी है गांधी दर्शन को समझने के लिए कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में गांधी की भूमिका क्या थी। इस सिलसिले में मैं आपको बता चुका हूं कि गांधी जी का 1915 में भारत आना हुआ। वे चाहते तो राष्ट्रीय राजनीति में सीधे कूद सकते थे, लेकिन उन्होंने देश का भ्रमण करने का निश्चय किया। उधर उन्होंने अपने आश्रम की तैयारी की, आश्रम को बनाने की तैयारी अहमदाबाद में, और इधर उनके सामने चार चुनौतियां आई। तीन चुनौतियां जो थी वो गांधी जी की रचना में नहीं थी, सहज ही उनके पास तीन आंदोलन आ गए, चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा। चंपारण और खेड़ा के आंदोलन किसानों के आंदोलन थे, और अहमदाबाद का आंदोलन मिल मजदूरों का आंदोलन था। गांधी जी को इनमें सफलता मिली, और एक आंदोलन जो गांधी जी की अपनी रचना था वह था असहयोग आंदोलन, जिसकी बात अपन कर चुके हैं। यह भी कह चुका हूं मैं कि असहयोग ने गांधी जी को बहुत सिखाया। दक्षिण अफ्रीका में और भारत में जो अंतर है वह गांधी जी ने और भी अच्छी तरह से समझ लिया असहयोग के माध्यम से। एक और भी बात स्पष्ट हो गई कि अंग्रेज जान गए कि यह आदमी झुकने वाला नहीं है, झुकाने वाला है, और गांधी जी के साथ करने वाले लोग भी जान गए कि कुछ विषय ऐसे हो सकते हैं जिन पर क्या निर्णय लेना है यह गांधी जी ही तय कर सकते हैं। यानी यह समझ लीजिए कि यह स्पष्ट हो गया कि कुछ मामलों में गांधी जी हठी हैं। खैर, फिर अपन आए थे सविनय अवज्ञा आंदोलन पर, उसकी बात अपन कर रहे थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में अपन पहले बात कर चुके हैं, और हम यहाँ तक पहुँच गए थे कि गांधी जी ने वह आंदोलन प्रारंभ किया और नमक बनाया। गांधी जी ने नमक बनाया, दूसरे लोगों ने भी नमक बनाया, गांधी जी की गिरफ्तारी भी हुई बहुत देर बाद में, बहुत दिनों के बाद में। अंग्रेजों के सामने यह संकट खड़ा हो गया कि इस आंदोलन से कैसे निपटा जाए, जो एक अहिंसक आंदोलन है। लोग लाठियां खाने को तैयार हैं, लेकिन पीछे हटने को तैयार नहीं है। यह आंदोलन नमक आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन इसे सविनय अवज्ञा आंदोलन ही कहना चाहिए, क्योंकि इस आंदोलन के साथ नमक ही जुड़ा हुआ नहीं रहा। लोगों ने कर देने बंद कर दिए, जहां चौकीदार की प्रथा थी वहां उन्होंने चौकीदार टैक्स देने से मना कर दिया। कुछ हमारे भाई बंधु जो जंगलों में रहते हैं उन्होंने जंगलात के कानून तोड़ने शुरू कर दिए, और पूरे देश में एक जागरण आ गया था। यही गांधी जी चाहते थे कि ये देश जागे, पहले जागे तो सही, लड़ेगा तभी ना जब देश जागेगा।
यहाँ तक कि शोलापुर में एक समानांतर सरकार तक बना ली आंदोलनकारियों ने, और इस आंदोलन में महिलाओं की भी अच्छी हिस्सेदारी थी। वो जो धरासना नमक निर्माण की, आप ये समझ लीजिए कि फैक्ट्री समझ लीजिए, जो नमक निर्माण शाला थी धरासना, जिसके बारे में गांधी जी ने कहा था कि आप अंग्रेजों को कि आप कुछ भी कर लीजिए, मैं अब धरासना पे दावा बोलूंगा। उनकी गिरफ्तारी हो गई, बाद में सरोजिनी नायडू और दूसरे लोगों के नेतृत्व में वहां धावा बोला गया, अहिंसक धावा, और बड़ा ही ये कहना चाहिए कि दुनिया को हिला देने वाला दृश्य उत्पन्न हो गया। पुलिस की लाठियां पड़ रही हैं, लोगों के सिर फूट रहे हैं, लेकिन वो कोई प्रतिकार नहीं करते, भारत माता की जय बोलते हैं। और एक जत्था आता है जिसमें स्त्रियां भी होती हैं, पुरुष भी होते हैं, और वो उन घायलों को उठाकर ले जाता है, उनकी जगह पे दूसरा जत्था आके, लड़ने वालों का जत्था आके खड़ा हो जाता है। यानी आंदोलनकारियों में ऐसे लोग भी थे जो घायलों की चिकित्सा करेंगे, और ऐसे लोग भी थे जो घायलों की जगह ले लेंगे। गांधी जी ने लोगों को समझाया भी था कि सविनय अवज्ञा का मतलब क्या है। लोग जितना समझे उतना समझे, और नहीं समझे फिर नहीं समझे। लेकिन आंदोलन में ऐसे बहुत सारे लोग शामिल थे जो सविनय अवज्ञा के बारे में इतना तो समझ गए थे कि ये आंदोलन अहिंसक रखना है, फिर भी बहुत सारी जगह हिंसा हुई। और ये जो दृश्य देखा दूसरे देश के लोगों ने भी, वहां तक खबरें गई, तो अंग्रेजों को लगने लगा कि यह तो अपनी छवि खराब हो रही है। एक पत्रकार है, अमेरिकी पत्रकार हुए हैं मिलर, उन्होंने लिखा है कि ये जो सत्याग्रही शौर्य प्रदर्शन कर रहे हैं, वीरता दिखा रहे हैं, ये अलग ही तरह की वीरता है। अपने आप को होम देना सत्य के लिए, न्याय के लिए, अपने अधिकारों के लिए, और अहिंसक तरीके से होम देना कोई आसान काम नहीं था। खैर, अब क्या हुआ कि जब गांधी जी की गिरफ्तारी हो गई ना, उसके बाद से स्थिति बदल गई। गांधी जी की गिरफ्तारी ने देश की जनता के सामने एक अध्याय का काम किया कि गांधी जी कहाँ से चले थे और कहाँ तक आए, और अब उनको जेल भेज दिया गया है। एक आदमी जो सत्य के लिए लड़ रहा है, उसे अंग्रेजों ने जेल में डाल दिया। और मैंने कहा कि यह आंदोलन तो शराब के विरुद्ध भी था, विदेशी वस्तुओं के विरुद्ध भी था, पूरी तरह से असहयोग करना। वकीलों ने, यह शुरू तो हो गया था असहयोग में ही, वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी, लोगों ने अपनी ही समितियां बना ली फैसले करने के लिए। ये कोई छोटी मोटी बातें नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं ये। खैर, तो ये सब चला, फिर इस आंदोलन का रूप भी कई जगह पर हिंसक हो गया, और अंग्रेजों का व्यवहार तो हिंसक था ही, उसमें कोई शक ही नहीं है। उस वल्लभ भाई पटेल के घर में घुसकर, और उनकी माता जी जब खाना बना रही थी तो उनके उन्होंने बर्तन फेंक दिए, पलट दिए बर्तन, और उनमें कंकड़ डाल दिए, पत्थर डाल दिए, मिट्टी का तेल डाल दिया। ये रवैया था अंग्रेजों, दमन करना। खैर, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, मध्य भारत में आंदोलन ने बड़ा तगड़ा रूप ले लिया, और एक चीज ने काम किया लोगों को जोड़ने का, और वो था हमारा तिरंगा झंडा, जो थोड़े दिनों पहले ही फहराया जा चुका था स्वाधीनता के नाम पर।
और ये देख लीजिए कि एक उदाहरण से समझ जाइए आप। सूरत में बच्चे जब झंडा लेकर निकलते थे तो पुलिस उनको रोकती थी। कई जगह ऐसा हुआ जब लोगों ने हाथ से झंडा नहीं गिरने दिया, खुद गिर गए। ये ध्वज, ये तिरंगा, ये आज भी हमारी शान का प्रतीक है। आज भी जब हम तिरंगे को देखते हैं तो हमारा सीना चौड़ा हो जाता है। और हमारा मन झुक जाता है, सिर झुक जाता है, सीना चौड़ा हो जाता है। तो जब गुलाम थे तब तो कितने बड़े प्रतीक का काम किया होगा इस तिरंगे ने। तो मैं कह रहा था कि सूरत में बच्चों को रोका गया तो बच्चों ने किस तरह से जवाब दिया, जिस तरह से उन्होंने जवाब दिया वो दुनिया के इतिहास में दर्ज हो गया। उन्होंने तिरंगे का वेश सिलवा लिया, ड्रेस सिलवा लिया अपनी। अब क्या करें अंग्रेज। यूपी में आंदोलन इस तरह का हुआ कि टैक्स नहीं देना है, क्योंकि हर जगह नमक का प्रश्न नहीं उठ सकता था। और टैक्स नहीं देना है तो नहीं देना है टैक्स, इसका मतलब नाराज करना है जमींदारों को। और जमींदारों में से जो अधिकांश थे वे अंग्रेजों के मैं मित्र शब्द तो काम में नहीं लूंगा, लेकिन वो अंग्रेजों के पिछ लग्गू थे, क्योंकि उनके स्वार्थ उन्हीं से पूरे होते थे। प्रभात फेरियां निकलनी शुरू हो गई, लोग देशभक्ति के गीत गाते निकलते थे। कहीं सभाएं हो रही है, कहीं बच्चों की वानर सेना बन रही है, कहीं लड़कियां अपनी माजेरी सेना बना रही है। तो सरकार के सामने एक संकट खड़ा हो गया कि दमन के रास्ते पर चलने के बावजूद लोग नियंत्रण में नहीं आ रहे। इसी बीच में साइमन कमीशन की रिपोर्ट आई और उसमें भारत को जो एक डोमिनियन स्टेटस देने की बात थी उसका कोई जिक्र नहीं था। लोग बड़े नाराज थे और ये हुआ कि ये जो आंदोलन है सविनय अवज्ञा आंदोलन, यह कांग्रेस का आंदोलन है, उसके नेतृत्व में हो रहा था। और ये लगा अंग्रेजों को कि कहीं इस साइमन कमीशन की रिपोर्ट से और ये आंदोलन इस तरह का नहीं हो जाए कि दमन के आधार पर भी नियंत्रण में नहीं आए। दमन तो कर ही रहे थे, और ज्यादा दमन करने पर भी नियंत्रण में नहीं आए। तो तेज बहादुर सप्रू हैं या M.R. जयकर हैं, ऐसे लोगों को बीच में लेकर गांधी जी से बात करने की कोशिश भी की अंग्रेजों ने कि कोई समझौता नहीं करे, हो जाए तो अच्छी बात है। एक जो बड़ा परिवर्तन आया गांधी जी के इन आंदोलनों से भारत के राष्ट्रीय संग्राम में, वह यह आया कि यह समय आते आते और स्पष्ट हो गया कि देश की जनता की तरफ से बात करेगी तो कांग्रेस करेगी। यदि कांग्रेस को अंग्रेज बराबर की स्थिति देने को तैयार हो गए, बराबर का स्थान देने को तैयार हो गए, और यह भी बात सामने आई कि साइमन कमीशन में भारतवासियों को कहा अंग्रेजों ने कि आपका आपके मन की बात नहीं हुई, हम भविष्य में इस बारे में फिर कोशिश करेंगे। काफी विचार विमर्श हुआ कि अब आगे क्या किया जाए। तो गांधी जी के और अंग्रेजों के बीच में कुछ लोगों ने मध्यस्थता की और आखिर में
5 मार्च 1931 को गांधी जी और इरविन के बीच में एक समझौता हो गया। कुछ लोगों ने कहा कि ये एक शांति समझौता है, कुछ लोगों ने कहा कि यह एक अस्थाई एग्रीमेंट है, टेम्परेरी एग्रीमेंट है, टूट जाएगा। समझौते पर हस्ताक्षर भी गांधी और इरविन के थे। और तय ये हुआ समझौते में कि सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाएगा, लेकिन जिन्होंने हिंसा में भाग लिया उनको रिहा नहीं किया जाएगा। लोगों की जो जमीनें छीन ली गई थी, यदि सरकार ने वे जमीनें बेच नहीं दिए तो वापस दे दी जाएंगी। और किसी को जमीन मिल गई और जिसकी जमीन बेच दी उसको वापस नहीं मिलेगी, कितनी बड़ी विसंगति है। और यह किया गया कि जो पानी के आसपास के इलाके हैं जहां नमक बनता है, तो आसपास के लोगों से टैक्स नहीं लिया जाएगा नमक बनाने में। धीरे धीरे करके आगे बढ़ा जाता है राजनीति में, यह आपको ध्यान रहे। और यह हुआ कि जिन सरकारी कर्मचारियों ने इस्तीफा दे दिया है उनको नौकरी में वापस लेने पर भी विचार किया जाए। और यह तो ये हुआ जो अंग्रेजों को करना था उन्होंने मान लिया, लेकिन एक बड़ी बात और भी अंग्रेजों को करनी थी कि लोग शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे सकेंगे। यह एक बहुत बड़ी बात थी। और पुलिस की ज्यादतियों की जांच के लिए गांधी जी ने कहा कि जनता द्वारा नियुक्त समिति ही जांच करे। पुलिस क्या जांच करेगी, वो तो खुद ही जुल्म करने वाली थी। ये बात नहीं मानी गई, लेकिन समझौते में इसका जिक्र जरूर हुआ कि गांधी जी ने ऐसा कहा। यह बात अंग्रेजों ने तो नहीं मानी, लेकिन इस बात का हिंदुस्तान की जनता पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। और यह तय हुआ कि आगे जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगा तो उसमें कांग्रेस भाग लेगी। अब जिन शर्तों पर इस समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे उनकी व्याख्या इतिहासकारों ने अपने अपने ढंग से की है। कुछ लोगों ने कहा कि गांधी जी तो पूंजीपतियों का हित देखते हैं, गांधी जी तो अंग्रेजों का हित देखते हैं, और गांधी जी ने इतना बड़ा समझौता किया, लेकिन इस समझौते में सरदार भगत सिंह और उसके साथियों को फांसी से बचाने के लिए क्या किया गया। कुछ इतिहासकारों का यह कहना है कि गांधी जी हिंसा के विरोध में थे, और हिंसा जिन लोगों ने भी की, चाहे अच्छे उद्देश्य के लिए की होगी, लेकिन गांधी जी को वो स्वीकार नहीं थी। ऐसी बातें भी हमें जानने को मिलती हैं कि गांधी जी ने कहा था इरविन से कि इन लोगों को बख्शा जाना चाहिए। अब उसमें कोई सही बात तो सामने आई नहीं है। कुछ ने कहा कि किसानों के साथ धोखा हुआ है, जिनकी जमीनें बेच दी गई उनको जमीनें नहीं मिली, और गुजरात में यह ज्यादा हुआ। इस तरह से यह जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, इस आंदोलन की खास बात यह है कि असहयोग आंदोलन में जितने लोगों ने भाग लिया था जेल गए थे, उससे 3 गुना ज्यादा लोग यहां जेल जाने वाले थे। यह एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात एक और भी है कि जो असहयोग आंदोलन हुआ था ना, उस असहयोग आंदोलन में मुसलमानों की भागीदारी अच्छी थी, अच्छी भागीदारी थी, क्योंकि खिलाफत का प्रश्न जुड़ा हुआ था, और इसमें कहते हैं कि उतने लोग नहीं थे। जो सबसे अच्छी बात हुई
वह यह हुई कि भारत की जनता पहले से ज्यादा सावचेत हो गई, अब उसको नींद आनी बंद हो गई कि किसी तरह से अंग्रेजों को भगाया जाना चाहिए। बंगाल के एक पुलिस इंस्पेक्टर जनरल की बात है और उसने जो बात कही है, वैसे देखा जाए तो सामान्य सी बात, लेकिन उसने जो बात कही है उस बात के निहितार्थ बहुत बड़े हैं। उसने कहा था कि मुझे इस बात का कतई अंदाजा नहीं था कि कांग्रेस को इस प्रकार के अज्ञानी और गंवार लोगों का सहयोग प्राप्त होगा। इस बात का मतलब यह है कि आंदोलन जड़ों तक जा रहा है, आंदोलन की पहुंच गहरी होती जा रही है और अंग्रेजों के सामने एक संकट खड़ा होता जा रहा है कि गांधी जी ने यह जो आंदोलन चलाया है, इसको ऐसे लोगों का समर्थन भी प्राप्त है जो आज़ादी के बारे में बहुत कुछ बता नहीं सकते थे। वो ये जानते थे कि अंग्रेज हमारे दुश्मन हैं। भारतीय महिलाओं के लिए भी यह आंदोलन बहुत अच्छा रहा। अब तक जितने भी आंदोलन हुए उनमें सबसे ज्यादा भाग महिलाओं ने यदि किसी आंदोलन में लिया तो वो सविनय अवज्ञा था, और खास तौर से शराब की दुकानों के बाहर धरने पर बैठ। जो भी हो, चंपारण हो, अहमदाबाद हो, खेड़ा हो, असहयोग आंदोलन हो या ये सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये सारे सारे आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में और बड़े ही चमकदार अक्षरों में लिखे हुए हैं कि इन आंदोलनों के कारण हिंदुस्तान आजाद हुआ, बाद में देश में एक जागृति पैदा हुई। तो ये गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन था। जब अगली बार अपन मिलेंगे तो मैं बात भारत छोड़ो आंदोलन की करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।